हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जिस केस के बारे में बात करेंगे, रिसेंटली आपने उस केस के बारे में सुना ही होगा। अ 39 ईयर्स ओल्ड सीईओ ऑफ माइंडफुल एआई लैब सूचना सेठ। सूचना सेठ जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती थी, वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी थी, उसने फिजिक्स में मास्टर की हुई थी, इवन उसको संस्कृत लैंग्वेज का भी अच्छा खासा नॉलेज था। सूचना को डेटा साइंस और एआई में भी इंटरेस्ट था। सूचना ने 2 साल तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप किया था। अपने करियर को बोझ देने के लिए सूचना बैंगलोर में शिफ्ट हो गई थी। 12 साल तक डेटा साइंस और एआई की जॉब करने के दौरान उसकी मुलाकात होती है वेंकट रमन से। दोनों सेम ही प्रोफेशन से होते हैं, दोनों के बीच में दोस्ती होती है, प्यार बढ़ता है एंड 2010 में दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों सेम प्रोफेशन से होते हैं इसलिए दोनों शादी के बाद डिसाइड करते हैं अपना एक बिजनेस ओपन करने का। दोनों ने एक स्टार्टअप भी खड़ा किया था लेकिन वेंकट उस स्टार्टअप को छोड़ देता है एंड सूचना अकेले ही उस बिजनेस को हैंडल कर रही होती है। दोनों के बीच में डिफरेंसेस इतने बढ़ते हैं कि दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट्स और फाइट्स बहुत ज़्यादा ही होती हैं। 2019 में उन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम था चिन्मय। दोनों के बीच में धीरे धीरे आर्ग्यूमेंट्स एंड फाइट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि 2022 में वेंकट को अपना घर भी छोड़ के जाना पड़ा था। सेम मंथ में सूचना पुलिस कंप्लेंट कराती है कि उसका पति उसको फिजिकली अब्यूज़ करता है और गाली गलौज देता है। तभी सूचना डिसाइड करती है कि वो वेंकट के साथ नहीं रहेगी और उससे डिवोर्स लेगी। मैसेजेस, वीडियोस एंड मेडिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे सूचना वेंकट से डिवोर्स ले लेती है और अपने बेटे की कस्टडी भी ले लेती है। सूचना 2.5 लाख एलिमनी की डिमांड करती है लेकिन वेंकट इतना अमाउंट उसको नहीं पे करता है, तो ये चीज़ 20,000 में सेटल हो जाती है। इसी तरीके से 3 महीने बाद जब वेंकट को अपने बेटे चिन्मय की बहुत ज़्यादा याद आती है, वो उसको मिस करता है और उससे मिलना चाहता है, तो वो सूचना को कॉल करता है उससे मिलने के लिए लेकिन सूचना मना कर देती है। तभी वेंकट इस चीज़ को कोर्ट में लेके जाता है कि वो हफ्ते में एक दिन अपने बेटे से मिलना चाहता है। कोर्ट वेंकट को इस चीज़ की परमिशन भी दे देती है कि हर हफ्ते संडे के दिन वो अपने बेटे से मिल सकता है, लेकिन सूचना इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। हियरिंग के बाद का फर्स्ट संडे जब आया था तो वेंकट अपने बेटे से मिलने गया था लेकिन सूचना किसी ना किसी बहाने से उसको अपने बेटे से मिलने नहीं देती है। ऐसे ही 4 हफ्ते तक सूचना किसी ना किसी बहाने से वेंकट को अपने बेटे से नहीं मिलने देती है। वेंकट सूचना को वॉर्न भी करता है कि अगर वो उसको अपने बेटे से मिलने नहीं देगी तो वो इस चीज़ को कोर्ट तक लेके जाएगा। अब सूचना इस चीज़ से और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो जाती है और वो प्लान करती है अगर वो सेम स्टेट में नहीं रहेंगे तो वेंकट अपने बेटे से नहीं मिल पाएगा। 6 जनवरी को सूचना बैंगलोर से गोवा की फ़्लाइट लेती है और वो लोग नॉर्थ गोवा के सोल बैनियन होटल में चेक इन करते हैं 6 तारीख को। सूचना रिसेप्शन डेस्क में जाकर के पूछती है कि यहाँ पे कौन कौन सी जगह घूमने के लिए है। 6 और 7 तारीख को वो अपने बेटे के साथ घूमती है लेकिन करीब रात के 10 बजे 7 तारीख को सूचना फिर से रिसेप्शन डेस्क में जाती है और उन लोगों को बोलती है कि मुझे गोवा से बैंगलोर जाने के लिए कैब अरेंज कर दीजिए। रिसेप्शन वाले उसको एडवाइस भी करते हैं कि मैम आप फ्लाइट ले लीजिए, इससे आपका पैसा और टाइम दोनों ही बच जाएगा, लेकिन सूचना कहती है कि नहीं उसे बाय रोड ही जाना है। तभी रिसेप्शन वाले एक कैब ड्राइवर जिसका नाम था रॉय जॉन डिसूजा उसको कॉल करते हैं और उसको बताते हैं कि उस एक मैम है जिनको गोवा से बैंगलोर बाय रोड जाना है। कैब ड्राइवर को जैसे ही पता चलता है कि उसको अकेले गोवा से बैंगलोर जाना पड़ेगा और आते टाइम पे भी वो खाली हाथ ही वापस आएगा, तो वो इस चीज़ का डबल चार्ज करता है। वो उससे 30,000 रुपये फेयर लेता है एंड बोलता है मैं अपने साथ एक स्पेयर कैब ड्राइवर को भी लेके जाऊँगा ताकि अगर मैं रास्ते में बीच में थक जाऊँ तो वो दूसरा ड्राइवर गाड़ी चला लेगा। होटल स्टाफ सूचना को इन्फॉर्म करते हैं कि कैब ड्राइवर इतना चार्ज कर रहा है लेकिन वो इस चीज़ के लिए अग्री हो जाती है। कैब ड्राइवर रात को करीब 12:30 बजे होटल पहुंचता है। सूचना कैब ड्राइवर को बोलती है कि रिसेप्शन में मेरा बैग रखा है, आप उसको गाड़ी के अंदर रख दो। कैब वाला जैसे ही उस बैग को पकड़ता है तो वो सूचना को बोलता भी है कि मैम ये बैग आपका बहुत ज़्यादा हैवी हो रखा है, इसके अंदर बॉटल्स मतलब कि अल्कोहल्स वगैरह तो नहीं है। तो सूचना उसको बोलती है कि नहीं इसमें मेरा कुछ शॉपिंग का सामान है और कपड़े वगैरह हैं। उसके बाद कैब ड्राइवर को इतना डाउटफुल कुछ भी चीज़ें लगती नहीं है। वो लोग रास्ते में जाते हैं, कैब ड्राइवर जो है इन बात करने का ट्राई भी करता है सूचना से लेकिन वो ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देती है। बस एक ही टाइम उसने कैब ड्राइवर से बात की होगी जब उसको पानी की बॉटल लेनी थी। रात को करीब 2 बजे वो लोग गोवा और कर्नाटका बॉर्डर पहुंचते हैं लेकिन वहाँ पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो ट्रैफिक जाम लगा होता है।
कैब ड्राइवर पुलिस के पास जाता है और उनसे पूछता है कि ये ट्रैफिक जाम कब तक लगा रहेगा, तो वो बोलते हैं कि इसमें 3 से 4 घंटे तो चले जाएंगे। ड्राइवर जो होता है वो सूचना को बोलता है कि मैम 3 से 4 घंटे आपको ट्रैफिक में आप फंस जाओगे, तो बेटर है कि आप यहाँ से कोई फ्लाइट ले लो, मैं आपको करीब के किसी एयरपोर्ट में छोड़ दूंगा। लेकिन सूचना बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे, मुझे बाय रोड ही जाना है। कैब ड्राइवर को तब भी इतना डाउटफुल कुछ नहीं लगता है। 4 घंटे ट्रैफिक जाम में फंसने के बाद जब वो लोग 6 बजे गोवा और कर्नाटका बॉर्डर को क्रॉस कर चुके होते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट डे क्लीनिंग स्टाफ 8 जनवरी को होटल जाता है, वो होटल की सफाई करता है, तो वहाँ देखता है कि टावल और बेड में खून के धब्बे पड़े हुए हैं। तो वो लोग वैसे ही क्या करते हैं कि पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। पुलिस वहाँ आती है, सीसीटीवी कैमरा चेक करती है, एंड उसके बाद वो लोग कैब ड्राइवर को कॉल करते हैं, उससे पूछते हैं कि वो मैम जो सूचना सेठ आपके साथ अभी भी बैठी हुई है, तो ड्राइवर बोलता है हाँ जी मेरे साथ हैं। तो बोलते हैं उनके साथ कोई छोटा सा बच्चा है, तो वो बोलता है नहीं छोटा बच्चा तो कोई भी नहीं है। तो वो बोलते हैं कि मुझे बात कराओ सूचना से। पुलिस सूचना से बात करती है और पूछती है कि आपके साथ आपका छोटा बेटा भी आया हुआ था, तो वो कहाँ है? तो वो बताती है कि मैंने अपने बेटे को अपने किसी रिलेटिव के घर में छोड़ दिया है गोवा में। वो उनको एड्रेस भी देती है और फ़ोन नंबर भी देती है। पुलिस उस फ़ोन नंबर में ट्राई करते हैं लेकिन वो नॉट रीचेबल जाता है, और एड्रेस पे अपने किसी कांस्टेबल को भेजते हैं लेकिन वो एड्रेस वहाँ पे मिलता ही नहीं है। उसके बाद पुलिस को सूचना के ऊपर डाउट होता है, वो फिर से रॉय को कॉल करती है जो कि कैब ड्राइवर होता है। वो उसको पूछते हैं कि एक काम करना, आप यहाँ से जब जाओगे तो रास्ते में अगर आपको कोई भी पुलिस स्टेशन मिलेगा या हाईवे में पुलिस की गाड़ी होगी तो वहाँ गाड़ी रोक देना और हमें कॉल करना। कैब ड्राइवर क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस में आ जाता है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा होता चल क्या रहा है, लेकिन बहुत कामली वो स्टेप लेता है। रास्ते में वो क्या करता है कि मैप खोल के देखता है कि आसपास कोई पुलिस स्टेशन है, लेकिन उसको 100 किलोमीटर शायद पीछे पुलिस स्टेशन होता है, तो वो गाड़ी यू टर्न नहीं लेता है। किसी बहाने से वो एक ढाबे में गाड़ी रोकता है और चाय बोलता है कि मैम मैं यहाँ पे थोड़ा चाय वगैरह पी लेता हूँ, तब तक आप भी फ्रेश हो जाइए। जब सूचना ड्राइवर से थोड़ा सा दूर होती है तो वो किसी गार्ड से आसपास के पुलिस स्टेशन के बारे में पूछता है, तो गार्ड उसे बताता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर तक आय मंगला पुलिस स्टेशन है। ड्राइवर चाय पीने के बाद गाड़ी में बैठते हैं और तीनों ड्राइवर उसका फ्रेंड और सूचना जाते हैं। ड्राइवर फिर से बहाना देकर के बोलता है कि मैम मुझे यहाँ पुलिस स्टेशन में थोड़ा सा पेपर वर्क है, तो मैं वो करके पेपर वर्क जो है अपना कंप्लीट करके आता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। वो भाग के अंदर जाता है, गोवा पुलिस की बैंगलोर पुलिस से बात कराता है। गोवा पुलिस वाले बैंगलोर पुलिस वाले को पूरा केस समझा देते हैं कि ये मैडम है, इसके साथ एक बच्चा मिसिंग है जो मिल नहीं रहा है और ये हमें झूठ बता रही है उसके बारे में। तभी पुलिस बैंगलोर पुलिस वाले आय मंगला पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले सूचना की गाड़ी के पास जाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, उसका सामान बाहर निकलवाते हैं, एंड जो उसके पास एक ट्रॉली बैग होता है उसको ओपन करके देखते हैं। तो पहले तो वहाँ पे पॉलिथिन्स और कपड़े वगैरह पड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो उसको निकालते हैं तो वहाँ पे उस बैग को देख करके वो लोग इतना शॉक हो जाते हैं कि उसके 4 साल के बेटे की लाश उसके अंदर होती है। पुलिस वाले सूचना से पूछते हैं कि ये कौन है, तो वो बताती है ये मेरा बेटा है। तो वो बोलता है कि इसकी डेथ कैसे हुई, तो सूचना बताती है कि मैं जब 7 तारीख को सुबह मॉर्निंग में सो करके उठी थी तो इसकी डेथ हो गई थी। फिर पुलिस वाले सूचना से उन खून के धब्बों के बारे में पूछते हैं जो बेड और टावल में पड़े थे उस होटल के। तो सूचना बताती है कि कुछ नहीं, मुझे पीरियड्स हो गए थे तो वो उसके निशान थे। लेकिन पुलिस उसकी बात पे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते हैं बिकॉज वो बार बार अपनी स्टेटमेंट को चेंज करती है। उसके बाद पुलिस फिर से पूछते हैं कि आपके बेटे की डेथ कैसे हुई, तो वो बताती है कि मैं सुबह जब उठी थी तो मेरा बेटे की डेथ हो गई थी, एंड जो ब्लड स्टेन्स वहाँ पे थे वो मैंने जब देखा मेरा बेटा मर गया है तो मैंने अपना जो रिस्ट है उसको काटने की कोशिश की थी, तो वो उसी के स्टेन्स थे। सैंपल्स का जब टेस्ट होता है तो वो सूचना का ही ब्लड होता है, एंड उस बच्चे की बॉडी का जब पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी जो डेथ है वो दम घुटने से हुई है। पुलिस फिर से सूचना से पूछती है लेकिन वो डिनाई करती है। उसके बाद पुलिस होटल और सीसीटीवी कैमरा और होटल्स की पूरी छानबीन करती है, तो उन्हें वहाँ से 2 कफ सिरप की बॉटल्स मिलती हैं जो कि खाली होती हैं। तो पुलिस ये थ्योरी बनाती है कि सूचना ने अपने बेटे को पहले कफ सिरप दिया होगा, उसके बाद तकिए से या फिर किसी टॉवल से उसका गला घोट के उसको मार दिया होगा बिकॉज उसकी बॉडी पे और गले पे कोई भी स्ट्रैंगुलेशन के निशान नहीं थे। अभी पुलिस को सूचना पे इसलिए ज़्यादा शक होता है क्योंकि जब वो लोग उसका बैग ओपन करते हैं तो उसमें एक लेटर होता है कि वो कोर्ट के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं है।
उसके बाद पुलिस सारी ही चीज़ों को कनेक्ट करती है एंड इससे ये निकल के सामने आता है सूचना जो नहीं चाहती थी कि उनका 4 साल का बेटा जो अपने फादर से मिले इसलिए सूचना ने अपने 4 साल के बेटे का मर्डर कर दिया था। सूचना अपने पति वेंकट से इतनी ज़्यादा नफरत करने लग गई थी कि वो चाहती ही नहीं थी कि उनका 4 साल का बेटा अपने फादर से मिले इसलिए उसने अपने बेटे का मर्डर कर दिया था। वेंकट अपने बेटे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था और सूचना को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि वेंकट हर हफ्ते भी कैसे अपने बेटे से मिल सकता है। सूचना के अंदर अपने एक्स हस्बैंड को लेके नफरत इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि उसने इस नफरत के चलते हुए अपने बेटे का ही मर्डर कर दिया, अपने 4 साल के छोटे बेटे का, जिसको इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा, जिसको यही नहीं पता है कि मेरे माँ बाप अलग हो चुके हैं एंड उनके बीच में इतनी ही ज़्यादा दरार और नफरत बढ़ चुकी है कि इस चीज़ का शिकार जो है उनका एक 4 साल का बेटा होगा। अभी भी सूचना पुलिस कस्टडी में है, उसको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है, उसने जो भी चीज़ें की हैं वो अभी भी पुलिस से चिकन और बिरयानी की डिमांड करती है। इवन वो पुलिस वाले को ये भी कहती है कि मैं जेल के अंदर हूँ और मेरा पति बाहर आराम से घूम रहा है। आई थिंक इन चीज़ों को देख करके मुझे जो लगता है कि उसकी मेंटली जो स्थिति है, मेंटली आई थिंक शी इज इल, जिस कारण उसने ये सारी चीजें की हैं। सूचना जिसने कि चूज किया हेट्रेड ओवर लव, सूचना को अपने 4 साल के बेटे से इतना प्यार नहीं था जितनी कि उसको अपने एक्स हस्बैंड वेंकट से नफरत थी, इसलिए उसने अपने 4 साल के बेटे की जिंदगी खत्म कर दी एक ही पल में बिना कुछ सोचे समझे। नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम लोग आएंगे। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।